हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। सन 1519 में धौलपुर में राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई। इस भीषण युद्ध में सुल्तान की हार हुई। इस हार के साथ सुल्तान इब्राहिम लोदी के पिता सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा हासिल किए गए क्षेत्र राणा सांगा के हाथों में आ गए। इस जीत के बाद राणा सांगा ने वर्तमान राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। चंदेरी उन प्रदेशों में से एक था जो राणा सांगा के हाथों में आ गए थे, जिसे उन्होंने मेदिनी राय, जो राणा सांगा के सेना प्रमुख थे, उन्हें युद्ध में उनके योगदान के लिए दे दिया। मालवा के सुल्तान महमूद ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा को जब ये खबर मिली तो वो सुल्तान महमूद को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना के साथ चंदेरी की तरफ निकल पड़े। राणा सांगा को राव वीरमदेव के अधीन मेवाड़ के राठौरों का साथ मिल गया, तो वही सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय को आसफ खान के अधीन गुजरात की सहायता मिली। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ आगे बढ़े और गागनौर में सुल्तान महमूद से मिले। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवारों द्वारा एक भयंकर हमला किया गया, जिसमें सुल्तान के घुड़सवारों के पसीने छूट गए। कुछ घुड़सवार जो बच गए वो जो दिशा मिले उस दिशा में भाग गए। आसफ खान का बेटा भी युद्ध में मारा गया और खुद आसफ खान ने महमूद से अपनी सुरक्षा की मांग की। आसफ खान की सेना को पार करने के बाद राजपूत घुड़सवार सुल्तान की सेना की ओर बढ़ गए। सुल्तान की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन राजपूत घुड़सवार के उग्र हमले का वो सामना नहीं कर सकी और बुरी हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। सुल्तान के अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुल्तान मोहम्मद भी युद्ध में घायल हो गया, जिसे बाद में कैद कर लिया गया। राणा सांगा ने उसके लिए पारंपरिक शिष्टता और परोपकार का भाव दिखाते हुए सुल्तान मोहम्मद के साथ एक मेहमान की तरह बर्ताव किया। उसके राज्य को महाराणा द्वारा फिर से उसे बहाल किया गया। सुल्तान मोहम्मद को फिरौती के रूप में राणा सांगा को मालवा के पहले राजा सुल्तान होशंग शाह का एक आभूषण मुकुट दिया गया। यहाँ पर राणा सांगा का राजपूती आचरण का वर्णन मिलता है। सुल्तान मोहम्मद जो चित्तौड़ और राणा सांगा का शत्रु था, राणा ने उसके घावों पर मलम पट्टी की और उसके ठीक होने के बाद उसे एक अनुरक्षण से सुसज्जित किया। 1000 राजपूत घोड़ों के साथ उसे फिर से मांडू भेजा, जहाँ उसने सरकार की बागडोर फिर से शुरू की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।